अस्तरी क्यादत को बुलाकर वजीर आजम ने यह फैसला किया। डायलॉग को आगे बढ़ाना ये ज्यादती होगी। वजीर आजम ने यह फैसला किया है कि यही रास्ता बेहतर रास्ता है। वजीर दाखिला ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दहशतगर्दी की पै दर पै कर रवाइयों के बाद वजीर आजम ने अस्करी क्यादत से मुशावरत के बाद फैसला किया कि अब मुजाकिरात सिर्फ उस वक्त होंगे जब गली कूचों में खून बहाने का सिलसिला बंद किया जाएगा। आज से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले ये फैसला हुआ, पहले ये कमेटी के साथ फैसला हुआ, फिर अस्करी क्यादत को बुलाकर वजीर आजम ने ये फैसला किया कि इस माहौल में डायलॉग को आगे बढ़ाना ये ज्यादती होगी। उन लोगों के साथ जो दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, उन लोगों के साथ जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान के मोहब्ब वतन थे मगर उन्हें उठाकर ज़बह किया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने मुजाकिरात बड़े खुलूस से शुरू किए थे, वरना ऑपरेशन शुरू करने के लिए हुकूमत पर बहुत दबाव था। हमारी इस खुलूस के बदले, हमारी इस सिंसेरिटी के बदले कुछ मखसूस ग्रोह नाजायज फायदा उठा के हमारी अफवाज को टारगेट कर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों को कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस को कर रहे हैं, हमारी पुलिस को और बेगुनाह लोगों को कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने तालिबान कमेटी की भी तारीफ की और कहा कि मुजाकिरात में तात्तो लाया है लेकिन मुजाकिराती कमेटी अपनी जगह पर मौजूद है। लफ्ज तात्तल है, कमेटी अब भी अपनी जगह कायम है। अब भी यह हुकूमत, इस मुल्क के अवाम पाकिस्तान में अमन लाने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं और अमन डायलॉग के जरिए आ सकता है, लड़ाई के जरिए नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस से ये हक वापस नहीं ले सकती कि वो जाती दिफा में कार्रवाई करें। ये भी एक वाजिया मुशावरत से फैसला है कि हम हुकूमत पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करने से कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जब भी उन पर हमला होता है, जब भी वो दहशतगर्दी का शिकार होते हैं, तो उनसे सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करने का इख्तियार कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सितंबर से अब तक फौजी ऑपरेशन बंद किया हुआ था, वो और किस तरह की फायरबंदी करती।